दोस्तों कैसे हो आप? नमस्कार। जिंदगी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। वो सब बातें तो खैर जिंदगी के बारे में ही होती है। अगर हम ईश्वर की बातें करते हैं तो ईश्वर ही जिंदगी है, प्राण है, प्राणेश्वर है। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा, एक गिलास पानी लेके आओ। मैं पानी लेके आ गया। कहने लगे, इसे अगर जहरीला करना हो इस एक गिलास पानी को, तो इसको इसमें कितना जहर मिलाना पड़ेगा। मैंने कहा, पिताजी इसमें तो अगर एक बूंद भी जहर डाल दे तो पूरा पानी जहरीला हो जाएगा। बोले, हो जाएगा ना एक बूंद पानी से? मैंने कहा, तो उन्होंने कहा इसे यहां रख दो, मान लो इसमें एक बूंद जहर घुल गया, इसे यहां रख दो और रखवा दिया उन्होंने गिलास। उन्होंने कहा एक गिलास और लेके आओ। मैंने रख दिया गिलास, सादा पानी जैसे पहले लेके आया था वैसे लेके आओ। मैं ले आया, कहने लगे इसमें इस पानी को मुझे कड़वा करना है। मुझे उन्होंने कहा, तुम्हें कड़वा करना है तो कितने बूंद कड़वाहट मिलाओगे? मैंने कहा जहर एक बूंद था तो चार बूंद कड़वाहट मिला देते हैं, ठीक है, हो जाएगा ना? मैंने कहा हो जाएगा। कह रहे ठीक है, मान लो इसे मिला दिया, रख दो एक गिलास और लेके आओ। मैं फिर एक गिलास पानी और लेके आया। कह रहे इस पानी को नमकीन करना है, कितनी नमक मिलाए? मैंने कहा पिताजी नमक तो बूंदों से नहीं, नमक तो थोड़ी सी मतलब लगभग आधा चम्मच से कम मिलानी पड़ेगी, क्योंकि काफी बूंदों में मिलानी पड़ेगी तब ये नमकीन होगा। क्या ठीक है, हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ। कह रहे रख दो एक गिलास और लेके आओ पानी। मैं लेके आ गया। कहने लगे इस गिलास के पानी को मीठा करता है, कितने बूंद मीठे की मिलेगी? मैंने कहा पिताजी इसमें बूंदों से काम नहीं चलेगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये एक गिलास पानी है, इसके एक गिलास पानी के कम एक चौथाई 1/4 हिस्से में चीनी होगी, मिठास होगी, मतलब कुछ भी शुगर, तभी पूरा गिलास का पानी मीठा कहलाएगा। हो जाएगा ना? मैंने कहा हाँ। रख दो एक गिलास और लेके आओ। मैं लेके आया, कह रहे इसे भी रख दो यही। तो कहने लगे ये बताओ, इन वाले जो एक तो बिना वो वाला पानी है जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, जिसमें जहर मिला हुआ है, एक बूंद जहर मिलाया, हमने कहा एक बूंद जहर मिलने पर ये जहरीला हो जाएगा, क्या इस पानी को कोई पी सकता है? मैंने कहा इसे पियेंगे तो मर जाएगा, जहरीला पानी हो गया, जहर हो गया इसमें। पिताजी बोले कितने बूंद जहर मिलाया एक गिलास पानी में? मैंने कहा एक बूंद। कितने बूंदे हो सकती हैं ऐसे गिलास पानी में? मैंने बहुत सारी बूंदे होंगी। कह रहे बस एक जहर की बूंद ने सब जहरीले कर दी। मैंने कहा हाँ पिताजी। इधर कड़वी कड़वे कड़वे गिलास के पानी को लेके आओ, इसको पिया जा सकता है? मैंने कहा पिताजी इसको पिया तो जा सकता है पर कड़वा लगेगा, पीना पड़ेगा पर कड़वा लगेगा। कितने बूंद? पिताजी बोले कितने बूंद इसमें कितने बूंद कड़वाहट मिलाई? चार बूंद। पी लोगे ना फिर भी? मैंने कहा पिताजी मजबूरी होगी तो पीना पड़ेगा।
बोले चार बूंद कड़वी मिलाने से पुआ की गिलास में जितनी भी बूंद थी हजारों वो सब कड़वी हो गई। मैंने कहा पिताजी, मैं तब तक ये सोचता रहा पिताजी मुझे समझा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नमकीन लाओ, कह रहे इसे पिया जा सकता है। नमकीन पिताजी पिया तो जा सकता है पर ये तो नमकीन पानी हो गया ना, पानी नहीं है, क्या पिया नहीं जा सकता ना। चीनी लाओ, चीनी वाला पानी लाओ, इसे पिया जा सकता है। तो मैंने कहा पिताजी इसमें तो मिठास भी है, इसे तो पिया जा सकता है। अच्छा, अब इस जिसमें ये चीनी मिली हुई है इसमें इसे कड़वा करना है मुझे पानी को, पिताजी बोले। तो इसे कड़वा करने में कितनी वो मिलानी पड़ेगी चीनी। मैंने कहा पिताजी मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आप ये सब मुझे क्या प्रैक्टिकल करा रहे हो केमिस्ट्री का, आप मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो। कहने लगे नहीं पहले ये बताओ, उन्होंने कहा चलो वो वाला गिलास लेके आओ जिसमें कड़वाहट है, चार बूंद कड़वाहट की थी, वो पी नहीं जा रही, पियोगे तो कड़वा कड़वा लगेगा, पीना पड़ेगा। इस कड़वाहट भरे गिलास के पानी को पीने के लिए तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा पिताजी इसमें चीनी मिलाएंगे कड़वाहट कम हो जाएगी। कह रहे कितनी मिलाओगे, इतनी जितनी इसमें मिला रखी 1/4 नॉर्मल पानी में। कह रहे नहीं पिताजी, मैंने कहा इससे तो ज्यादा मिलानी पड़ेगी क्योंकि इसमें कड़वाहट भी है, तब भी ये पूरा मीठा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मीठा पूरा तो नहीं होगा पर कड़वाहट कम हो जाएगी। मैंने कहा पिताजी साफ साफ बोलिए ना आप कहना क्या चाहते हैं। तब पिताजी बोले ये जिंदगी इस पानी की तरह जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जैसे पानी की बूंदें होती हैं ऐसे जिंदगी के लम्हे पल पल होते हैं, उन पलों को आप क्या कैसा कर रहे हो, उसमें जहर घोल रहे हो एक दूसरे को बोल के, या उसमें मतलब जहरीली बातें कह रहे हो। लम्हे लम्हे में एक दो लम्हा आपने एक दूसरे को बहुत गहरी जहरीली बात कह दी, आप पूरा आपका जीवन कड़वाहट में हो गया, मतलब पूरा जहरी बात कह रहे जहरीली हो गई, ऐसा लगा बस अब नहीं रहना इसके साथ, रह ही नहीं सकते। वो जहरीली बातें 2-3 सेकंड में जो कही होंगे वो उनसे निकला ही नहीं जा रहा, इसलिए जहरीली बातें ऐसी नहीं कहनी चाहिए जो आपको उन्हीं के साथ जीना हो और आप जहरीली बातें कह के जीवन को जहरीला कर दो। मेरी तो आंख खुली रह गई। फिर कहने लगे देखो कड़वी बात भी नहीं कहनी चाहिए, जैसे आपने किसी को कड़वी बात कह दी तो वो कड़वी बात जिसे कह रहे हो वो आपके साथ ही रहेगा। इस तरह के रिश्ते होते हैं जिनको आप हटा नहीं सकते, आपको उनको जीवन में उनको रखना है, उनके साथ रहना है। तो आप कड़वी बात कह के जिस तरह से कड़वे पानी को नहीं पी सकते, पीना पड़ा तो कड़वाहट से पियोगे, अजीब सी स्थिति में खुश नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए, कड़वी बात भी नहीं कहनी चाहिए। चार बूंद कड़वाहट मतलब चार पल भी अगर आपने कड़वी बात किसी को कह दी तो जितने भी जीवन के वो समय सब कड़वे हो गए। फिर गिलास उन्होंने उठवाया मीठे वाला, उन्होंने कहा देखो जहर की एक बूंद यानी कि जहरीला एक बात किसी को कह दो, कड़वाहट की चार बूंद यानी कड़वाहट के चार पल गुजार दो, मगर मिठास लाने के लिए उसी गिलास में कम से कम 1/4 हिस्से में मिठास लगानी पड़ी, तब वो मीठा हुआ। मैंने कहा पिताजी इसका मतलब ये है किसी के साथ जीवन का एक चौथाई हिस्सा मिठास में गुजारोगे, वफादारी में, खूबसूरत व्यवहार में, तब जाके वो मीठा बनेगा जीवन, यानी कि डेडिकेशन, समर्पण, वफादारी इस कदर होनी चाहिए कि वो जीवन की अगर तुलना करें हम आयु की तो वो 1/4 हिस्से में, यानी हर सेकंड में हर समय आप वफादार रहें, गलती से भी कोई घटनाएं घट जाए जो कड़वाहट लाती हैं उनके ऊपर आपकी वफादारी, आपकी अच्छी बातें, आपका मृदु व्यवहार ये हावी रहे। मैं पिताजी की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया, कितनी गहरी बात बताई। फिर उन्होंने कहा देखो जिनमें चार बूंद कड़वाहट की है, जहरीले से तो कुछ नहीं हो सकता, जहरीले का मतलब पियोगे तो मर ही जाओगे, इसलिए जहरीले संबंध होने पर तो खत्म ही होते हैं। जो कड़वाहट हो गई अगर आपको उन संबंधों को कुछ ऐसे हैं, देखो जैसे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सब रिश्ते ऐसे हैं जिनसे आप हट नहीं सकते, तो उन्हें कड़वाहट करने से बचो। अगर कड़वाहट हो गई है तो उसमें
इतनी वफादारी, इतने प्यार, इतना मधुरता के साथ रहो जितने नॉर्मल रहते हो उससे डबल रहना पड़ेगा, तब सामने वाले को यकीन आएगा कि आप उनके प्रति वफादार हैं और आपने जो कड़वी बात कही उसका प्रायश्चित हो रहा है। मैं आज उनकी ये बात याद करके आपको बता रहा हूँ, वो तो मेरे पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं, इस संसार से गुजर गए थे काफी पहले, मगर इस तरह की बहुत सारी बातें, शिक्षा जो प्रैक्टिकल हमें दिया करते थे और हम आप लेके जीवन में उनको संभाल के रखे, आज आप तक पहुंचाई। जैसे पानी का क्या स्वाद है पता चल जाता है उसकी बूंदें कैसी हैं, ऐसी जिंदगी का कैसी चल रही है आपके लम्हे बता सकते हैं। आपके लम्हे जहरीले हैं, कड़वे हैं या मीठे हैं? दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका अगला पार्ट बनाऊं कि ना।